नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं सनी देओल इन दिनों 54वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI के लिए गोवा में हैं। यहाँ पर हो रहे एक इवेंट में उन्होंने अपनी फिल्मी सफर के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि उनका असली संघर्ष गदर की रिलीज के बाद शुरू हुआ था। उन्होंने आगे ये भी बताया कि इस दौरान उन्हें अच्छी फिल्मों के ऑफर भी नहीं मिलते थे। इस वक्त डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने भी सनी देओल की तारीफ की। डायरेक्टर की तारीफ सुनकर सनी भावुक हो गए और कहा, मैं बहुत जल्द इमोशनल हो जाता हूँ, यही मेरी प्रॉब्लम है। इस इवेंट के दौरान सनी के साथ डायरेक्टर राहुल रवेल, राजकुमार संतोषी और अनिल शर्मा मौजूद थे। बातचीत की शुरुआत में राजकुमार ने सनी की तारीफ की। उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि इंडस्ट्री ने सनी के टैलेंट के साथ न्याय नहीं किया है, मगर भगवान ने न्याय कर दिया। राजकुमार के ये शब्द सुन सनी भावुक हो गए। फिर उन्होंने कहा, मैं बहुत भाग्यशाली रहा हूँ, मैंने राहुल रवेल की फिल्मों से करियर शुरुआत की थी। उन्होंने मुझे 3 खूबसूरत फिल्में दी, कुछ ने काम किया कुछ ने नहीं, लेकिन वो फिल्में आज भी लोगों को याद है। मैं अपनी फिल्मों की वजह से यहाँ खड़ा हूँ। गदर जो एक बड़ी हिट थी, इसके बाद ही मेरा संघर्ष काल शुरू हो गया था, क्योंकि इसके बाद मुझ तक अच्छी फिल्मों के स्क्रिप्ट नहीं आए। हालांकि मैंने बीच में कुछ फिल्में की, लेकिन उनमें 20 साल का अंतर था, मगर मैंने हार नहीं मानी, मैं हमेशा आगे बढ़ रहा था। फिर सनी ने आगे कहा, मैं फिल्मों में इसलिए आया क्योंकि मैं एक्टर बनना चाहता था, स्टार नहीं। मैंने अपने पिता की फिल्में देखी थी और मैं भी उसी तरह की फिल्में करना चाहता था। सनी और राजकुमार संतोषी की बॉन्डिंग बेहद खास है। संतोषी सनी को घायल, घातक और दामिनी जैसी सुपरहिट में डायरेक्ट कर चुके हैं। इन तीनों फिल्मों में सनी के रोल को काफ़ी पसंद किया गया था। हालांकि घातक के बाद दोनों ने कोई फिल्म साथ नहीं की। फिल्म भगत सिंह को लेकर दोनों में विवाद हुआ और फिर दोनों ने साथ काम नहीं किया। राजकुमार संतोषी के डायरेक्शन में सनी ने 2 नेशनल अवार्ड जीते थे, पहला घायल के लिए और दूसरा दामिनी के लिए। ये इंडस्ट्री की सबसे सफल एक्टर डायरेक्टर पेयर्स में से एक हैं। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।